अलैक एंड आर टॉकिंग अबाउट प्रेजी प्रेजेंटेशन यानी कि प्रेजी प्रजेंटेश क्या होती हैं और इनके लिए लिखना कैसे है प्रेजी uh, प्रेजेंटेशन जो है हमने पिछली दफ़ा बताया बताया था कि पावर पॉइंट से ऐसे मुख्तलिफ है कि पावर पॉइंट में हम ए, हर एक सफ़े पर कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं प्रेजी प्रेजेंटेशन जो है एक बड़ा सा सफ़ा होता है उसके मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उस पर हम लिख रहे होते हैं तो वो एक ही फ्लो में एक ही जगह सारी चीज़ें होती हैं मगर वो ज़ूम आउट और ज़ूम इन होती हैं तो अब प्रेज़ी प्रजेंटेशन के लिए जो लिखना है उसको कैसे हमने लिखना है वो पावर पॉइंट से कैसे मुख्तलफ है अब हम उसके बारे में बात करेंगे तो पावर पॉइंट भी हम जब लिखते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो हम बात करने जा रहे हैं उसको हाईलाइट होना है उसके जो कॉन्टेक्सट है वो प्रोवाइड करता है प्रेजी में हम उसको एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें एक कहानी बतानी होती है कहानी क्यों बतानी होती है क्योंकि वो सब एक ही जगह मौजूद होता है और उसका फ़्लो ऐसा आ रहा होता है कि जब तक कहानी नहीं होगी शुरू नहीं होगा मिडिल नहीं होगा एंड नहीं होगा उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स नहीं होंगे तो पाव प्रेजी प्रेजेंटेशन में जो उसका फुल पोटेंशियल है वो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे दूसरा ये कि हमें जो विजुअल्स हम दिखा रहे होंगे जो साथ, -साथ हमारे पास इमेजेस आ रहे होते हैं उसको हमें एक्सप्लें uh, करना होता है या साथ में जो हम बात कर रहे होते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है वो बहुत इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड इट्स वेरी स्वीट आपके पास पाव पावर पॉइंट में फिर भी जगह होती है फिर भी एक स्पेस uh, होती है जहां हम लंबा लंबा अगर टेक्स्ट लगाना चाहें या लिखना चाहें आप लिख सकते हैं हालांकि इट्स नॉट द आइडियल थिंग टू डू बट इन प्रेजी प्रेजेंटेश देर इज़ अज लिमिटेशन ऑन हाउ मच टेक्स्ट देर कैन बी एंड देर शुड बी बिकॉज वो विजुअली बहुत बुरा लगता है आप देख रहे हैं ना कि जी एक छोटी सी चीज़ है वो बड़ी होगी तो कितनी एक बड़ी हो जाएगी अभी आप आगे प्रेजी प्रजेंटेश देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि दिस द लिमिटेशन इन स्पेस इज क्वाइट क्वाइट अ लॉट अब जैसे uh, हम अगर इसको आपको मैं एग्जांपल दूं जब आप एक पूरा ख़त लिखते हैं और ख़त के बनस्बत आप अगर कोई एक एस भेजते हैं ये वही डिफरेंस uh, है एक पावर पॉइंट प्रजेंटेशन और एक प्रेजी प्रजेंटेशन में कि आपको प्रेजी प्रेजेंटेशन एक एसएमएस की लेंथ में लिखना होता है थोड़ा थोड़ा विजुअल से ज़्यादा खेलेंगे हेडलाइंस देनी है आपने मेन ख़बर जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है जिस तरह हम वो लिखते हैं अमेजिंग लाइंस विच विल रियली पॉप आउट ऑन द पेज यानी कि एकदम से आपको वो आप उसको देखें और आपको आ, जो है ना वो अच्छा लगे भाई अट्रैक्ट करे कि हाँ जी ये जो लिखा हुआ है ना ये मैंने पढ़ना है इसके बारे में मुझे और जानना है मुझे सुनना है कि ये जो बात कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं ये इससे क्या रिलेशनशिप है इसकी ये क्या बात है जो वो एक्सप्लेन करें तो वो ऑब्वियसली वो अटेंशन भी बताता है जो बात हो रही है उसको भी ग्रैप करता है उसको एक्सप्लेन करता है उसको कंटेक्सचुलाइज़ करता है तो जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल करना होता है हम आके देखते हैं कि अब इसके लिए अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें सिर्फ राइटिंग साइड पर एक प्रज़ेंटेशन बनाते हैं पहले हम इसकी कहानी बना लेते हैं ना तो हम देखते हैं कि जी पहले कहानी होगी क्या किसके बारे में इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ पेट तो कहानी हमारी क्या है कि जी पेट होने चाहिए क्यों होने चाहिए हाउ डज लाइफ बिकम बेटर बिकॉज ऑफ दैम और फिर हम वापस ले आते हैं इस पॉइंट पे कि पेट होने चाहिए तो हम जिस बात से हम शुरू करते उसी बात पे हम वापस ले आते हैं तो ये हमारी जी कहानी है कि हमने कहा कि हमारे चार एस्पेक्ट्स होंगे चार स्लाइड्स होंगी एक बात करेगी पेट के ऊपर एक बात करेगी कि जी पेट क्यों होने चाहिए फिर एक बात करेगी कि पेट आने से हमारी ज़िंदगी बेहतर कैसे होती है और दोबारा हम आखिरी स्लाइड पे दोबारा ये बात करेंगे कि पेट होने चाहिए या इम्पॉर्टेंस ऑफ पेट कि पेट क्यों ज़रूरी है तो अगर हम इसको अगले पेज पर लेकर जाएँ तो अब हम अगर प्रेजेंटेशन के लिए लिखते हैं तो हमारी पहली जो पॉइंट था वो हम लिख रहे थे पेट के ऊपर ना सो हैविंग पेट्स इज ए ग्रेट थिंग ठीक है जी अब यहां पे हमने लिख दिया हैविंग पैट्स इज ए ग्रेट थिंग अब इसमें इमेज क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे पैट्स की तस्वीरें हो सकती हैं कुत्ते भी हो सकते हैं बिलियां भी हो सकती हैं पैरट्स भी हो सकते हैं फिशेज भी हो सकती हैं कोई भी आप एक इमेज ले सकते हैं और उसके ऊपर हम ये टेक्स लगा सकते हैं और दूसरा कि जी अब पॉइंट ये था कि वाई वाई शुड बी है पैट सो वी से पैट्स ब्रिंग लव इन योर लाए ले जी पेट्स पेट से मोहब्बत आती है आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा आपके पास एक और जानदार चीज़ है जो मोहब्बत देता है मोहब्बत लेता है खेलता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें मगर हमने लिखा कि जी ब्रिंग लव इन योर लाइफ और इसके ऊपर जब हम बात करेंगे एक्सप्लेन करेंगे तो इस चीज़ को हम आगे एलेबोरेट करते चले जाएंगे और इसकी इमेज हम आराम से एक दिखा सकते हैं एक बिल्ली दिखा सकते हैं एक दिल के साथ दिखा सकते हैं या हगिंग um, पेट uh, दिखा सकते हैं बहुत सारे मजे के इसके साथ इमेज़ जो है वो हम प्रेजी पे डाल सकते हैं तीसरा जो हमारा पॉइंट था हाउ डज़ इट चेंज योर लाइफ हाउ डज़ इट मेक हाउ डू दे मेक लाइफ बेटर फॉर यू एज वी सेट पहले कह कहजीब पेट्स ब्रिंग लव इन योर लाइफ हम यहाँ बताते हैं कि दे टीच रिस्पांसिबिलिटी अब रिस्पांसिबिलिटी जो है वो कैसे सिखाते हैं दे टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है कि उनको खाना दिया है आपने नहीं दिया आप उनको बाहर लेकर कर गए नहीं लेकर गए उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं है उनके साथ आप टाइम गुजार रहे हैं कि नहीं तो एक इंसान में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप एक ऐसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो शायद आपसे बोल के ही मांग नहीं सकता उस तरह जिस तरह एक इंसान एक इंसान से मांगता है तो सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ज़्यादा होती है इनके लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक पेट सिखाता है और आखिर में हम दोबारा बात करते हैं uh, पिछली दफ़ा हमने कहा था कि हैविंग पेट्स इज अ ग्रेट थिंग सो वी वी कैन से पेट्स मेक ऑल द डिफरेंस तो आपने ये देखा होगा कि जब हम प्रेजी के लिए लिख रहे होते हैं बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते हैं एग्जैक्ट जो आपको बात करनी होती है उसके बारे में हम लिखते हैं इससे ज़्यादा जो है वो हम बहुत ज़्यादा एलेबरेट नहीं करते हैं जिस तरह पावर पॉइंट में हम फिर भी हमारे पास एक स्पेस होती है कि जी हेडिंग होती है उसकी सब हेडिंग्स होती हैं और आगे हम चलते चले जाते हैं प्रेजी में ये ऑप्शन हैं मगर हम इनको इनक्रेज नहीं करते हैं क्योंकि प्रेजी आर मोर विजुअल मोर विजुअली प्रजेंटेश तो जो तस्वीर है वो ज़्यादा बात करती है बनस्बत लफ्ज़ों के अगले वाले मॉड्यूल में हम आपको एक्चुअल प्रेजेंटेश प्रजी पे जाकर बताएंगे कि कैसे बनती हैं थैंक यू